वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा, और आज अपन बात करने वाले हैं 11th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया, और फिलहाल इस चीज़ पे क्या चल रहा है, सारी बातें अच्छे से करेंगे। देखो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये है, न्यूटन ने ये बताया था कि ग्रेविटी वो बल होता है, वो फोर्स होता है जिसका नेचर जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होती है, और ये जो फोर्स होती है ये मास बॉडीज पे एक्ट करती है। जिस भी बॉडी में द्रव्यमान होता है, जिस भी बॉडी में मास होता है, उस बॉडी पे ये ऑलवेज एक्ट करती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो सन है, ये यहाँ पे सन है, ये मान लो यहाँ पे अर्थ है, दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, होता है। तो ये भी द्रव्यमान वाला बॉडी है, ये भी द्रव्यमान वाली बॉडी है, तो दोनों मास बॉडीज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करते हैं, जिस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। चलो, और न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी दो मास बॉडीज हो सकती है इस यूनिवर्स में, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सन और अर्थ तो आपस में अट्रैक्ट हो रही है, इन पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो फिर आपके और मेरे बीच में ग्रेविटी वर्क क्यों नहीं कर रही, अपन भी द्रव्यमान है, अपने में भी भार है, मास बॉडी है, तो क्या अपने बीच में भी ग्रेविटी वर्क करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही भाई। न्यूटन ने ये तो बता दिया कि जो सन है, अर्थ है, वो ऑलवेज अट्रैक्ट होती रहेगी, अर्थ ऑलवेज अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करती है, इसके बाहर नहीं जाती और ना कभी इसके अंदर गिरती है। ऐसा क्यों, इसका रीज़न भी कभी न्यूटन ने डिफाइन नहीं किया, तो इस चीज़ को फिर आगे क्लेरिफाई किया आइंस्टीन ने। देखो आइंस्टीन ने क्या बताया, मान लो आप इसको ऐसे रिज्यूम करो, मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देके बताता हूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल देके बताता हूँ आपको ग्रेविटी के बारे में। ये आपके पास में कोई बकेट है, ये आपके पास में कोई बकेट है, सबके घर में मिल जाती है। इस बकेट पे मैंने एक मेम्ब्रेन को बांध रखा है, मेम्ब्रेन को टाई कर रखा है, मेम्ब्रेन का मतलब है कोई भी बलून, बलून को कट करके मैंने यहाँ बांध दिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बलून पे कोई भी मास ऑब्जेक्ट जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मान लेते हैं कोई पत्थर या कोई मार्बल, मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मैंने यहाँ रख दिया, तो आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होगी मुझे ये बताइए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या ये होगी, यहाँ से बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, क्या यहाँ पे कर्व प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये नीचे की तरफ बेंड होगा कि नहीं होगा भाई। बकेट है, बकेट के ऊपर बलून है, बलून पे मैंने पत्थर रख दिया, तो क्या वो पत्थर यहाँ नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा कर्व बनेगा, थोड़ी सी बेंडिंग होगी। चल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से किसी दूसरे मास पार्टिकल को, किसी दूसरी मास वाले, किसी दूसरे द्रव्यमान वाले पार्टिकल को यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, थोड़ी सी गति देके, थोड़ी सी वेलोसिटी देके मैं यहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, तो क्या ये पार्टिकल जो है, ये कण जो है, वो सर्कुलर मोशन करेगा इसके चारों तरफ, बताओ भाई करेगा कि नहीं करेगा। सेंटर के अंदर आपने यहाँ पे मास रख रखा है, ये नीचे की तरफ बैंड हो रखा है, मैं यहाँ से अगर इसमें कोई चीज़, कोई पार्टिकल एंटर करवाता हूँ, तो क्या ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, और फिर धीरे धीरे इसके अंदर गिर जाएगा, यही होगा जनरली, ये सब देखते हैं अपन, ये चीज़ें होती हैं जनरल लाइफ में होती हैं। अब इसको मैं ग्रेविटी से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो, इस चीज़ को मैं ग्रेविटी से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। ये जो आपने यहाँ पे मेम्ब्रेन बांध रखी है, ये जो मेम्ब्रेन आपने यहाँ पे टाई कर रखी है, इस मेम्ब्रेन को आप ये मान के चलो स्पेस है, यूनिवर्स है, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है वो स्पेस क्या है, ये मेम्ब्रेन है, आप ऐसे मान के चलो। इस स्पेस में मैंने कोई द्रव्यमान वाला पार्टिकल रखा है, तो मान लो मैंने इस स्पेस में सन को रख दिया, सन का बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है, तो मैंने सन को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो जब मैंने सन को स्पेस में प्लेस करूँगा तब क्या होगा, जैसे ये मार्बल इस बलून को बैंड कर रहा है, वैसे ही वो मास पार्टिकल भी क्या करता है, इस स्पेस को बैंड करता है, दिखाई नहीं देता है अपन को, दिखता नहीं है क्योंकि वो फोर्थ डायमेंशन है। तो
तो वो क्या करेगा, इस स्पेस को बैंड करेगा। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात बताई थी आइंस्टीन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में। ये जो फैब्रिक है इसको बोलते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक, जनरली स्पेस समझ सकते हो। इसमें जैसे ही मैंने कोई मास पार्टिकल रखा, जैसे ही अर्थ रखी, जैसे ही मैंने सन रखा, तो क्या हुआ, यहाँ पे बेंडिंग होना स्टार्ट हो गई। ये जो आपका स्पेस है ये क्या हुआ, बैंड हुआ। अब मान लो अर्थ है, आपने अर्थ रखी तो स्पेस बैंड होगा, अर्थ के आसपास का स्पेस क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। अब इस अर्थ के आसपास मान लो कोई भी कॉमेट आता है, कोई भी उल्कापिंड मान लो यहाँ पे एंटर करता है, तो क्या होगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसने बैंड कर रखा है अपने चारों तरफ की स्पेस को, तो ये तो इसके अंदर ही जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। और मान लो इसके अराउंड मून जो है, जो उपग्रह है, सैटेलाइट है अपनी अर्थ की, वो अगर यहाँ पे रोटेट कर रही है तो इसके चारों तरफ गोल गोल रोटेट ही करेगी, इसके अंदर नहीं गिरेगी। अंदर क्यों नहीं गिरेगी भाई, अंदर नहीं गिरने का रीज़न है क्योंकि स्पेस के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन की कोई भी फोर्स नहीं होती है, सही है। अब यहाँ पे मान लो बलून है, तो बलून में आपने किसी पार्टिकल एंटर करवाया, वो थोड़ी देर तो गोल गोल घूमेगा, उसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि स्पीड उसकी कम हो जाएगी, उसकी गति कम होगी फ्रिक्शन की वजह से, सही बात है। लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं होता स्पेस में, तो अगर एक बार किसी चीज़ ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमेशा रोटेट करती रहेगी, ना तो इसके अंदर गिरेगी ना इसके बाहर जाएगी, अपने ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑलवेज क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। तो इस तरीके से अपन ग्रेविटी को ईजिली समझ सकते हैं कि ग्रेविटी का मतलब कुछ नहीं है, ग्रेविटी इज नथिंग। ग्रेविटी का मतलब है द डिस्टोर्शन इन स्पेस टाइम इज नोन एज ग्रेविटी। जो विकृति होती है, विकृति समझते हो, डिस्टोर्शन का मतलब विकृति, जो स्पेस में विकृति होती है किसी भी द्रव्यमान वाले पार्टिकल की वजह से, वही क्या होती है, ग्रेविटी होती है। उसी को अपन जनरली गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन अपने माइंड में ये आता है कि जब अर्थ ने इस स्पेस टाइम को बैंड किया, तो फिर तो आप में भी द्रव्यमान है, मेरे में भी द्रव्यमान है, इस चेयर में भी द्रव्यमान है, सब चीज़ों में द्रव्यमान है, तो वो भी स्पेस टाइम को थोड़ा बहुत बैंड करती होगी। हो सकता है तेरे पास में ऐसा रीज़न हो, तो अट्रैक्ट होना चाहिए, तू और ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मैं और तू अट्रैक्ट नहीं हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बलून पे इस मार्बल को, पत्थर को उठा के एक चींटी को रख देता हूँ, एक चींटी को रख देता हूँ, तो क्या अभी भी ये बैंड होगा, इस बलून पे मैंने चींटी रख दी, अब बैंड होगा क्या बलून, होगा या नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, नहीं होगा भाई। चींटी का जो द्रव्यमान है वो क्या इतना कम है, उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर चींटी रखी है तो बेंडिंग नहीं होगी, स्पेस टाइम जो है उसमें विकृति भी नहीं आएगी, डिस्टोर्शन भी नहीं होगा। तो उस केस में ग्रेविटी जो है वो वर्क करेगी क्या, बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, उसको अपन नगण्य मान सकते हैं। मैंने भी, आपने भी, आपका और मेरा मास जो है इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में, ब्रह्मांड के कंपैरिजन में, क्या एक चींटी के समान है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर चींटी के समान अपना द्रव्यमान है, तो अपन तो स्पेस टाइम को इतना बैंड करते ही नहीं है जितना कि एक अर्थ करती है, जितना कि एक सन करता है, तो अपन इसको इतना बैंड नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से अपने पास में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको अट्रैक्शन की फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, लेकिन अर्थ और सन के केस में इसका उल्टा होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें अपन को ऑब्जर्व अच्छे से हो जाती। ये बात हुई ग्रेविटेशन के बारे में, ये बातें बताई थी न्यूटन ने, यह है न्यूटन का ग्रेविटेशन, इसका आइंस्टीन का ग्रेविटेशन, न्यूटन ने इतनी बातें नहीं बताई थी। न्यूटन ने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, वो आपको बता देते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ ये बोलता है कि कोई भी दो मास बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों पार्टिकल्स के द्रव्यमान के प्रोडक्ट के, मतलब के गुणा के प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणा के अनुक्रमानुपाती होती है फोर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने ये बताया न्यूटन ने कि जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उनके बीच की जो दूरी है, उन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, इनके बीच का डिस्टेंस r है और इनका मास m1 m2 है, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द r स्क्वायर, ठीक। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। 12th क्लास में
इसी टाइप का एक लॉ आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, उसमें भी यहाँ पे आपको आर स्क्वायर मिलेगा, उसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये बात हुई इनवर्स स्क्वायर लॉ की। अब इन लॉ को अगर अपन मर्ज करते हैं तो क्या बनता है, देखो इन लॉ को मर्ज करने पे क्या बनेगा, एम वन एम टू आर स्क्वायर, इनको मर्ज करना, मर्ज कर दिया एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको रिमूव करने पे क्या लिया जाता है बताओ, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब अपन रिमूव करके इक्वल टू लगाते हैं तब उस कंडीशन में क्या लिया जाता है, एक कांस्टेंट नियतांक स्थिरांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक कांस्टेंट लिया जाता है, एक स्थिरांक लिया जाता है, और ये चीज़ हर जगह की जाती है, छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक आप यही करते आओगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तब एक कांस्टेंट रखोगे। तो एफ इज इक्वल टू आप क्या कांस्टेंट रख दोगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल जी, एम वन एम टू बाय एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन का सिंपल सा रूल न्यूटन ने दिया था, इसके बारे में ज़्यादा उसने आगे कुछ नहीं बताया। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, जो फोर्स है आपने यूनिट सिस्टम पढ़ा है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एम